हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर स्टॉक की। और आज देखिए, आज भी 4.5% के आसपास हमारा स्टॉक अप है। कल बजट आया, बजट के बाद भी इसने उछाल दिखाया था और आज भी लगभग 4.5% के आसपास हमारा इंट्राडे में अब दिखाई दिया। और ओवरऑल देखें तो 4.5% 83.50 रुपये के आसपास हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बिफोर बजट भी मैंने इस पर कई वीडियोज किए थे जिसमें मैंने कहा था कि आफ्टर बजट इसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। और आप देखिए कि 75 से ऑल द वे टू 83 आ चुका है अभी, और आगे और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, और क्या क्या चीजें बजट में निकल के आएंगे मैं उसकी भी बात करूंगा अभी इस वीडियो में आपके सामने, और बोलूंगा बताऊंगा किस तरह से इसमें आप एक स्टे इन्वेस्टेड की जो पॉलिसी है, हमारी स्ट्रेटजी है हमारे, उसको लेके चलेंगे तो आगे आने वाले में समय में कितना टारगेट आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन से बता देंगे नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बात करें तो अभी देखिए आप, हमारा स्टॉक जो है वो 83 रुपीज के आसपास हमारा ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कल बजट था और बजट में काफी कुछ पॉलिसीज ऐसी आई हैं जिसका, हालांकि नो न्यूज भी काफी रही है उसमें, जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। हमें लगा था उस बारे में बातचीत ना हो तो ही अच्छा है। हमने पहले भी बात किया था कि वेल्थ टैक्स वगैरह अगर इंट्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर स्टॉक मार्केट में दबाव बना रहेगा, बट उस बारे में बात नहीं हुई। कोविड सेस की बात हो रही थी स्टार्टिंग में, बट वहां पर भी उस बारे में कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई। तो वहां पर कोई बात ना होना भी, नो न्यूज इज द बिग न्यूज, तो वो वाली चीज हमारे सामने आई है कल। और सोलर पैनल्स को लेके, सोलर एनर्जी के लिए भी काफी सारे पॉलिसीज, काफी सारे ड्यूटी हाइक्स किए गए हैं। उस गवर्नमेंट ने हाइक किया है ड्यूटी जो बाहर से इंपोर्ट करते थे सोलर लैंटर्न वगैरह, उसके बारे में मैं भी न्यूज दिखाऊंगा वो वाली भी आपको। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव दिन रहा बजट को लेकर। अगर हम देखें तो कल का भी और आज का भी आप देखिए काफी पॉजिटिविटी बनी हुई है, खरीदारी बहुत ज्यादा हुई है। पहले भी कई दिनों से मैं आपको वॉल्यूम दिखा रहा था और बहुत ज्यादा ही एक जो पैनिक का माहौल था टाटा पावर कंपनी के इन्वेस्टर्स में, वहां पर भी मैंने बोला था कि आपने अगर होल्ड करके रखा तो अच्छे आने वाले समय में अच्छा खासा मूवमेंट देखेंगे, और वही हुआ। आप देखिए कल भी अच्छा खासा मूवमेंट रहा है इसमें, और आज भी लगभग 5% के आसपास हमारा अप है स्टॉक। अब एक दिन का अगर चार्ट देखें आप, चार्ट देखिए, सिंपल चार्ट है ये हमारा, एंड आज ओपनिंग हुई थी हमारी 78 रुपए के आसपास, और वहां से ये 83 रुपीज का तक पहुंचा है। 83.90 का किसने हाई बना था और वहीं पर ये सस्टेन कर रहा है, वहीं पर आप देखिए कि ये एक रुका हुआ है। वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा ट्रेड हुआ है इस प्राइस पर भी, लगभग 24 लाख के आसपास का वॉल्यूम। और यहाँ पर देखिए अगर आप, तो 44 मिलियन का वॉल्यूम अभी तक ट्रेडेड है, शेयर ट्रेडेड जो आज का है हमारा वो 44 मिलियन है, तो काफी अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अब बात करेंगे कितनी पॉजिटिविटी आई है हमारे मार्केट में एंड कब तक ये सस्टेन करेगी। तो आप देखिए कि निफ्टी की बात करें, एनएससी की वेबसाइट पर है अभी, निफ्टी 50 रिकवरी मोड पर है। कल लगभग 5% के आसपास इसने रिकवर किया था, आज 2.5% के आसपास फिर से ये रिकवरी पर है एंड पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए कल निफ्टी बैंक 8% के आसपास अब था, आज 3.65% अब है। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें 3%, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 2% के आसपास, क्या बढ़िया उछाल आता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। जो हमें लगा था कि जो एक 6 दिन 7 दिन जहां पर मार्केट में गिरावट का माहौल बना था उसको रिकवर करने में बाजार को समय लगेगा, बट बजट जो आया वो बाजार को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया और कितनी अच्छी रिकवरी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए सेंसेक्स हमारा ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास है, और सुबह तो इसने 50,000 भी टच किया था, 50,000 का एक मार्क जो लैंडमार्क बनाया था इसने, 50,132 का हाई लगाया आज इसने सुबह 10 बजे के आसपास, और वहां से ये थोड़ा सा सस्टेन तो कर रहा है 2.5% आज भी है, पर कल 5% के आसपास हमारा उछल के बंद हुआ था। तो ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास आ चुके हैं हम दोबारा से, और वहां पर भी एक रिकवरी का माहौल दिखता है, और इंडेक्सेस ओवरऑल इंडेक्सेस काफी ज्यादा खुश मिजाज दिखाई देते हैं। अब बात करें अगर हम टाटा पावर स्पेसिफिक की, तो अब देखिए डिलीवरीज में परसेंटेज, डिलीवरी आप देखिए 1 फरवरी को 24% के आसपास की डिलीवरी हुई, उससे पहले 20%, उससे पहले 17%, और डिलीवरी एक बढ़ती हुई डिलीवरी दिखाई दे रही है हमें। तो डिलीवरी में आपको हमेशा हर वीडियो में आपको डिलीवरी जरूर बताता हूँ, इससे पता लगता है कि आगे आने वाले समय में कितना ज्यादा एक बाइंग का माहौल है, कितना ज्यादा प्राइसेस में उछाल देखने को मिल सकता है। देखिए कि 45 मिलियन के आसपास का शेयर ट्रेडेड है हमारा आज का, एंड उस पर भी 24% की आसपास की डिलीवरी है हमारी, तो आने वाला समय इसका और भी अच्छा है। तो बेचना नहीं है अभी भी, मैं बोल रहा हूँ 83 रुपीज का शेयर से हमारा 84 मान सकते हैं, 20 पैसे कम है बस, हमारा 84 रुपए का अभी भी शेयर हो चुका है। और यहाँ से भी अगर किसी ने बाइंग की थी वो अभी भी क्या 1 रुपए 2 रुपए लॉस में है अगर, तो वहां पर शेयर, तो वहां पर से भी ये स्टॉक आगे जाने की उम्मीद है, और कितना आगे जाएगा उसकी बात करेंगे। न्यूज पर लेके चलता हूँ मैं आपको, देखिए इस खबर का जो असर है वो दिखाई दिया है हमारे स्टॉक पर। गवर्नमेंट हाइक्स ड्यूटी सोलर इन्वर्टर लैंप्स और BCD यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी पर उसने थोड़ा सा रोक लगाई है, यानी कि जो पहले हमारा सोलर लैंटर्न सोलर इन्वर्टर बाहर से मंगवाया जाता था वहां पर 5% की ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, अब उस 5% को बढ़ा के 20% कर दिया गया है। आप यहां देख सकते हैं 5% से ड्यूटी बढ़ा के 20% कर दी गई है, तो ये एक अच्छी खबर है। हालांकि जो इक्विपमेंट है हमारे वहां पर बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है,
और पर जो चीजें हैं जैसे लैंटर्न हो गया, लैंप्स हो गए, इन्वर्टर्स हो गए, वहां पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया 5% से 20% कर दिया गया। और यही एक तरीका है मैन्युफैक्चरिंग को और सेल को बढ़ाने का, डोमेस्टिक सेल को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का सोलर पैनल में, सोलर इक्विपमेंट्स में। तो आप देखिए कि टाटा पावर को पिछले दिनों काफी ज्यादा बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले थे, हमने सब पर वीडियो की थी ऑलमोस्ट, एंड वहां के जो ऑर्डर्स थे वो अब रंग लाएंगे। अब यहाँ पर आकर लगता है कि जो टाटा पावर का सोलर सब्सिडियरी है, सोलर वाला जो सब्सिडियरी है, वहां पर एक तेजी देखने को मिलेगी, और उसकी वजह से पूरा टाटा पावर का जो एक कंपनी है, एक स्टॉक है हमारा, एक होलसम कंपनी कहें अगर हम उसे, तो बेहतर होगा। तो वहां पर होलसम कंपनी ग्रो करती हुई दिखाई देगी आने वाले समय में। अभी हमारा चार्ट है, आप देखिए कि यहाँ पर आने वाले समय किस तरह से हमारे लिए कौन कौन से टारगेट हैं हमारे सामने, मैं उसकी बात करता हूँ। तो इस समय पर गिरावट का माहौल बनना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल देखिए आप स्ट्रेट लाइन जर्नी तो हमें कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए मार्केट से। तो हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में गिरावट का थोड़ा सा माहौल बने, क्योंकि बाजार में और टाटा पावर स्पेसिफिक बात करें तो देखिए ये धीरे धीरे करके हमारी मैग्डी की लाइन ऊपर की ओर निकलती जा रही है, जिसका मतलब है कि ये बुलिश जोन में आने की पूरी पूरी तैयारी कर चुका है। और आरएसआई की बात हो तो आरएसआई हमारा ऑलरेडी एक 58 तक पहुंच चुका है, यानी कि ये ऑलरेडी प्राइस स्ट्रांग मोमेंटम दिखा रहा है हमारा, और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है हमारी वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अब यहाँ से स्टॉक हमारा आगे मूव करेगा, ठीक है। तो कुछ लेवल्स है हमारे, 87 का मेरा पहला लेवल है जहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक हमारा हॉल्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर हमारा स्टॉक आकर थोड़ा सा साइडवेज में ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एक सपोर्ट जोन की अगर हम बात करूँ तो आप देखिए कि 74 का हमारा पहला वाला सपोर्ट जोन था, और आप वहां से एक अप मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया था, वो सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं हुआ था। दूसरा सपोर्ट जोन मुझे लगता है कि 81.30 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 81.30 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसने पहले भी आप यहाँ पर देखे कि यहाँ पर भी यहाँ पर एक हॉल्ट हुआ था स्टॉक हमारा, यहाँ पर भी यहाँ से बाउंस बैक लिया था स्टॉक ने, और जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से स्टॉक नीचे आया था। तो ये 81.30 रुपए का जो एक स्ट्रॉन्ग पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा, और ये ब्रेक होता है हमारा मतलब अभी तो ये रेजिस्टेंस, अगर ये ब्रेक होता है हमारा तो ये स्टॉक नीचे आ सकता है, बट ये ब्रेक नहीं होगा, जो मोमेंटम बना हुआ है मार्केट में उसको देखकर लगता है कि अब स्टॉक ऊपर जाएगा। और अगर ये 85 का लेवल क्रॉस करता है, 87 का लेवल क्रॉस करता है, तो ये 92 तक आराम से निकल सकता है, जो हमारा ये लेवल है यहाँ तक ये आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो 92 का एक लेवल है हमारा, वहां तक ये आसानी से निकल सकता है। तो अपर साइड की बात हो 87 और 92 के जो हमारे दो रेजिस्टेंस हैं, नियर बाय रेजिस्टेंस हैं, वो मुझे लगता है इस महीने में हिट हो सकते हैं, और 92 के ऊपर हमारा स्टॉक जा सकता है। स्ट्रेट लाइन में जर्नी आप मत एक्सपेक्ट करना तो बेहतर रहेगा, आने वाले समय में 1-2 दिन में आप देखेंगे कि 1-2% की गिरावट उसमें दिखाई दे सकती है, उसके लिए आपको रेडी रहना है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें इस वीक की, तो मैंने पहले भी कहा था इस वीक में थोड़ी पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी, और हमारे जो रिजल्ट रहेंगे वो पॉजिटिव में ही रहेंगे, ठीक है। मंथ की बात करें तो मंथ में हमारा टारगेट आप 92-95 का लेके चल सकते हैं, 100 का भी लेके चल सकते हैं, बट 100 का एक बेंचमार्क नंबर होता है, और वहां से स्टॉक एक बार पुल बैक दिखाता है, वो टच करके पुल बैक दिखाता है, जैसे सेंसेक्स ने 50,000 टच करके पुल बैक दिखाया था, वैसे मुझे लगता है टाटा पावर में 100 टच करके पुल बैक दिखा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड अभी इसमें नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिमांड से मेरा मतलब है कि बाइंग हो चुकी है, और यहाँ पर अगर कोई बड़ी खबर टाटा पावर की तरफ से आती है ऑर्डर्स में, तो वो 100 क्रॉस करेगा। बट विद टाइम अगर हम 1 साल की बात करें, तो 1 साल में मेरा जो 140 से लेके 170 का टारगेट है वो अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बजट की पॉलिसीज आई है वो बेहतरीन और सपोर्ट कर रही है बाजार को, ठीक है। तो 1 साल का टारगेट अभी भी मेरा 142-160 है, और अगर मंथ की बात करें तो 95 का टारगेट है मेरा मंथली, इस मंथ में 95 तक ये टच कर सकता है और उसके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगे, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।